तत्काल न्यूज लाइव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। मैं सीधा आरोप लगाता हूँ बीजेपी और महानगर पालिका पे कि वैक्सीन के नाम पे वो लोग राजनीति कर रहे। जब कोविड की जो महामारी चल रही थी अभी 2 महीने पहले भी, तब भी हर गली में, हर मोहल्ले में, हर रोड पे इनके रिक्शे घूम रहे थे, जिसमें कि लाउड स्पीकर पे बीजेपी की तरफ से एडवर्टाइजमेंट हो रहा था कि वैक्सीन लगाई जा रही है हर सेंटर पे, हर कॉरपोरेशन के हॉस्पिटलों में। लेकिन वहाँ पे अगर आप जाकर देखो तो वहाँ पे कोई वैक्सीन नहीं मिल रही थी, लोग घूम रहे थे। यहाँ तक कि इन्होंने कहा था कि 18 साल से ऊपर वालों के लिए भी वैक्सीन आई है, पर जवानों के लिए भी वैक्सीन कहीं मिल नहीं रही थी। 45 साल वालों को जो पहले इन्होंने 2 महीने का समय दिया था, उनको भी 3 महीने का समय दे दिया। वैक्सीन की बहुत किल्लत थी। तो भी मैं यही कह रहा हूँ कि जब 2 महीना कोविड की जो महामारी चल रही थी, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, लोगों को बेड नहीं मिल रहे थे, लोगों को दवाई नहीं मिल रही थी, इंजेक्शन नहीं मिल रहे थे, उस समय पे बीजेपी उनके रिक्शों पे मोदी जी का फोटो लगा के, यहाँ के लोकल नेताओं का फोटो लगा के कॉरपोरेशन के माध्यम से वैक्सीन का एडवर्टाइजमेंट कर रही थी, इवेंट कर रही थी, जोर शोर से ये बता रही थी, प्रचार कर रही थी कि हम वैक्सीन लगवा रहे हैं। बाकायदा सेंटर पे महापौर जी के फोटो लगे हुए थे, लेकिन वैक्सीन नहीं थी। लोग जाते थे रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, खाली हाथ आते थे। तो इस तरीके का जो काम है वो बीजेपी और महानगर पालिका की साठगांठ से चल रहा था और अभी भी चल रहा है। आज भी अगर आप देखो तो आपको वैक्सीन कहाँ मिल रही है? आज भी जवान बच्चे जो है वो घूम रहे हैं, और जो बूढ़े लोग जो है 45 के जो ऊपर वाले हैं उनको सेकंड वैक्सीन के लिए वो लोग भी घूम रहे हैं, रजिस्ट्रेशन कहीं हो नहीं रहा है। अभी भी 4 दिन पहले भी इन्होंने कहा कि हमने हर सेंटर पे वैक्सीन दी है, लेकिन वैक्सीन के लिए आप अगर जाकर देखो तो आपको वैक्सीन कहीं नहीं मिलेगी। और कई सेंटरों पे ऐसा हो रहा है कि किसी का कोई पहचान का है, किसी का कोई रिलेटिव है, या 18 साल से कम उम्र वालों ने भी वैक्सीन लगाया है। तो ये सारी साठगांठ, मैं फिर आरोप लगा रहा हूँ कि ये सारी साठगांठ बीजेपी और महानगर पालिका के माध्यम से शहर में हो रही है। और बीजेपी सिर्फ इवेंट करना जानती है, काम करने में विश्वास नहीं रखती है। जनता के लिए वो लोग कभी काम नहीं करते, जनता की भलाई के लिए कभी उनका काम नहीं होता है। इसीलिए यहाँ पे जो है आज हमारे छोटे भाई महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस के सचिव सागर चौहान जी के नेतृत्व में यहाँ पे NMC नागपुर मेंटल कॉरपोरेशन इस तरीके का आंदोलन किया जा रहा है।